हेलो एवरीवन, मेरे तरफ से नए यूट्यूबर को गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे नमकीन, वो भी अलग तरीके से, जो खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी भी है। इसे चाय के साथ आप खा सकते हैं और इसे आप बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, चलिए बनाने चलते हैं। थोड़ा सा मैं अजवाइन वगैरह ले लिया है, थोड़ा सा नमक, 1 कटोरी मैदा और 1 गिलास पानी और थोड़ा सा रिफाइंड तेल मोयन के लिए। आइए, इसका पहले मैं डो तैयार करती हूँ। मैदा को अलग बर्तन में रख देंगे, उसमें मैं अजवाइन मंगरेला और नमक, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और मोयन के लिए तेल, आप इसके जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हल्के हाथों से इसको मसल लेंगे। अब इसको मैं इस तरीके से चेक करूँगी पिटली बना के कि खस्ता बनेगा या नहीं, मोयन परफेक्ट पड़ा है या नहीं। इसका इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लूँगी। डो को ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम में इसका डो तैयार करें। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। चलिए, अच्छा से तैयार हो चुका है डो। अब इसका मैं छोटा छोटा लोई काट के इसको इस तरीके से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। आप इसे चाय के साथ या कभी भूख लगे तो आप इसे स्टोर करके रखे हैं तो उसमें से निकाल के खा लें, बहुत ही यमी और लगेगी। इस तरीके से मैं बेल लिया हूँ। अब इसको मैं कटिंग करूँगी, देखिए इस तरीके से, है ना आसान रेसिपी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और आगे तक मेरी वीडियो को बढ़ाए। अब सबको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, बहुत ही आसान रेसिपी है। तेल को पहले से मैं गर्म होने के लिए रख दिया हूँ। सबको इसी तरह मैं फोल्ड कर दूंगी। आइए हम इसको फ्राई करने चलते हैं। सबको मैं एक एक करके गरम तेल में इस तरीके से डाल दूंगी। धीरे धीरे इसको फ्राई करें, तेज आंच पे फ्राई नहीं करें, इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करें। ये हल्का हल्का गोल्डन हो गया है, ये थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगी। अब मैं इसे, ये देखिए फ्राई हो गया है। अब एक एक करके मैं इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, है ना देखने में कितना लाजवाब और खाने में भी तो उतना ही मज़ेदार होगी। ये अपने किचन में और बनाकर स्टोर करके रख लीजिए और चाय के टाइम इसे आप खा सकते हैं। अगर अच्छी लगे मेरे वीडियो तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।